कब से है दुआ में, फाइनली दुआ ने वो काम कर दिया जो उसको बरसों पहले करना चाहिए था। जी हाँ, मन्नत के ना जड़ दिया एक जोरदार। सॉरी पापा, आई नो आपके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी थी ना, मतलब मन्नत की। जाने दीजिए इस मुसीबत को। ने आज मन्नत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। अब ये थप्पड़ अगर दुआ ने बहुत पहले मन्नत को जड़ा होता ना, तो आज इबादत को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब इस बहन ने भी वही किया जो बाकी की बहनें इन दिनों सीरियल में किया कर रही हैं, अपने ही बहन के पति को छीन लिया है। मन्नत ने इबादत को गलत प्रूव कर दिया है पूरी फैमिली के सामने, स्पेशली सुभान की नज़रों में, और सुभान भी अब इबादत को पूरी तरह से गलत मानता है। और सुभान ने ये कहा है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहता है इस पर, और वो अब घर छोड़कर जा रही है क्योंकि सुभान मन्नत से शादी करना चाहता है। तो ऑब्वियसली वो अपने शौहर को अपनी बहन से शादी करते देखना नहीं चाहती है। अब जब शौहर ही उसका नहीं हुआ तो इस घर में रहने का क्या फायदा, इसीलिए इबादत घर छोड़कर निकल रही है। वही मन्नत खुश हो रही है, इस साथ में कायनात भी। अब इन्हें तो लग रहा है कि सर से बला हट रही है। और मैं क्या करूं अम्मी, इस हवा में कैसे सांस लूं, धोखा और बेवफाई के अलावा और कुछ नहीं है। जाने दीजिए दुआ बेगम, जाने दीजिए इसे, रोकने की कोई जरूरत नहीं। वही दुआ है तो एक माँ ही ना, माँ को बुरा लगा जब मन्नत ने धक्का मारा जोर से इबादत को। ये देखकर दुआ को गुस्सा आया और उसने थप्पड़ मार दिया जोर से। अब ये थप्पड़ खाकर भी वो सुधरेगी नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो खुश नहीं है, मतलब उसका वो एक वॉइस ओवर जाता है कि मैं खुश नहीं हूँ। बट अभी वो स्टोरी आगे बताएगी कि वो क्या होता है। बट फिलहाल सुभान ने डिवोर्स मांगा है, मतलब इबादत ने उसे डिवोर्स देने के लिए कहा है और उसने भी हाँ भर दी है। बट वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। अब अनाउंसमेंट भी हो गया है सुभान और मन्नत के निकाह का, तो ऐसे में अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट आपको देखने मिलेंगे। एक ही बहन की दूसरी बहन सौतन बनकर आएगी और उसके बाद बीबी नंबर वन, बीबी नंबर टू, इन दोनों के बीच कौन सही है कौन गलत है, ये तो फिलहाल चलता ही रहेगा। जाना चाहती है तो जाने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे सौतन की निकाह से देखे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।